हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कल रात को हम रुद्रप्रयाग पहुंच गए थे और ये मेरे साथ मेरा भाई है नकुल, ये मेरे चाचा का लड़का है। तो आज हम दोनों सुबह सुबह 8 बजे हम जा रहे हैं रुद्रप्रयाग घूमने। चलो अब आपको दिखाते हैं रुद्रप्रयाग। तो अभी हम दोनों आ गए हैं मार्केट और हम जा रहे हैं आगे को घूमने के लिए। चलो अब आपको दिखाते हैं। नकुल कुछ बोल। आगे देखो आप व्लॉग, कंटिन्यू बने रहना व्लॉग में। तो अभी हम नीचे जा रहे हैं नदी के किनारे। आजकल नदी बड़ी भी है क्या? तो अभी हम दोनों ये नदी के किनारे आए हुए हैं। यहाँ पे एक इन्होंने ये घाट सा बनाया हुआ है तो हम यहाँ पे आए हुए हैं। और रुद्रप्रयाग में दो नदियाँ मिलती है, अलकनंदा और मंदाकिनी। और ये पूरा रुद्रप्रयाग है हमारे पीछे जितना भी है। और यहाँ पे शिव जी की एक मूर्ति भी है। यह शिव जी की मूर्ति और ये पूरा रुद्रप्रयाग है। तो अभी हम लोग तैयार हो गए हैं और ये है नकुल और हम अभी नकुल की गाड़ी में बैठे हुए हैं। और गर्मी से हालत ख़राब हो गई है। तो सामने हमारी दोनों गाड़ियां खड़ी हुई है और हमारी जितनी गाड़ियां थी वो सारी यहीं पार्किंग में खड़ी थी। और अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी लेके, मतलब चाचा लोगों की गाड़ी लेके लॉज की तरफ। रात को हम लॉज में आ गए थे क्योंकि चाचा लोगों ने लॉज भी बुक किया हुआ था। तो हम लॉज में आ गए थे ताकि सुबह हमको मॉर्निंग में नहाने वगैरह के लिए कंफर्टेबल हो, इसलिए चाचा ने कहा तुम लोग लॉज में चल जाओ। हम रात को ही लॉज में आ गए थे और अभी हम जा रहे हैं लॉज की तरफ क्योंकि गाड़ी से हमें बैग वगैरह निकालना है चाचा लोगों के, तो इसको लेके हम वहाँ पर जाएँगे लॉज में। फिर बारात भी यहीं से, सब सारी गाड़ियाँ यहीं पार्किंग में लगेगी, फिर उसके बाद यहीं से हम जाएंगे।
तो अभी फटाफट चलते हैं लॉज की तरफ, फिर उसके बाद हम घर पे जाएंगे। पे अब बारात निकलने लग गई है और यहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। ये देखो यहाँ पे सारी गाड़ियाँ रुकी हुई है। अब हम तैयार हो चुके हैं। आज इस तारीख पे बहुत सारी शादियाँ थी तो आज बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ मिलने वाली है हमको, और हम निकल गए। आगे बैठे हैं चाचा, चाची और काकू। अब पीछे बैठे हुए नकुल, मैं और हमारी शिवानी दीदी बैठी हुई है। तो अब हम निकल गए हैं और बारात ने जाना है मलेठा, श्रीनगर मलेठा से आगे भगवान, तो वहाँ जाना है बारात ने। और आगे भी ये हमारी शादी की गाड़ी चल रही है, तो चलो फटाफट चलते हैं और रास्ते में आपको दिखाते रहेंगे। प्लीज़ वीडियो में बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। गाइस यहाँ पे अभी हमारे दादा ने गाड़ी ख़राब हो गई है, उसके ब्रेक वगैरह नहीं लग रहे हैं, तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं। उनकी गाड़ी आ गई है तो अभी हम अब मैकेनिक ढूंढ रहे हैं उनकी हेल्प के लिए। और यहाँ पे बहुत धूप हो रही है और यहाँ पे पत्थर गिरने का बहुत डर है। और अब यहाँ पे गर्मी में भरे जा रहे हैं, जिसकी गाड़ी ख़राब है वो आगे निकल गया। हम फंस गए, जिसकी गाड़ी ठीक है वो फंस गए। यहाँ पे हम थोड़ा लड़ाई के मूड में बाहर आए थे पर वो बस वाला डर गया था, वो भाग गया। हमारी एक गाड़ी के चक्कर में इतना बड़ा जाम लग गया। तो अभी हम जा रहे हैं, देख सकते हो आप। और अभी ये लोग जा रहे हैं उधर उधर, मतलब इधर। हेलो, भैया लस्सी के लिए रिक्वेस्ट करते हुए आप रिक्वेस्ट करते हुए क्या करो, दुकान में अंकल को बोलना पड़ रहा भैया। तो नहीं था ना तेरे गाड़ी में।
हाँ भाई है क्या? अभी हम यहाँ पे रुके हुए हैं और ये दुल्हन की गाड़ी है और ये हमारी गाड़ी है और ये सारी गाड़ी लगी हुई है, कुछ गाड़ियाँ पीछे है, वो भी आ रही है। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं और अभी भैया जा रखे हैं अभी कहीं, हमारे सिंकू भैया काकू इतना सो देख सकते हो आप। और अभी सब आ रहे हैं, हम रुक गए थे कहीं पे और वेलकम वगैरह सब कुछ हो चुका है, दूल्हा वगैरह सब अंदर चल चुके हैं। यहाँ पे हम चाउमीन खाएंगे, प्लेट इधर है, मेरे लिए भी निकाल दो यार प्लीज। तो गाइस जब हम आ रहे थे रास्ते में हमारी एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, ये ऑल्टो 800 थी, इसका एक्सीडेंट हो गया था, इसीलिए आपने जब वीडियो देखी होगी तो आपको वीडियो में आधी मेरी वॉइस मिली होगी और आधी नकुल ने बनाई वीडियो। और जिस गाड़ी से टकराए थे वो थी अर्टिका, तो हमने वहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह किया और फिर हम बाद में आए, तो ये सब हो गया था। इसके बाद तब वीडियो